हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर 2307 में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले पोनी सुगर्स इलेक्ट्रोड के बारे में। पोनी सुगर जो है, आपका देख सकते हो कि कहाँ पे बेस बनाया हुआ था। तो स्टॉक में आपको देखा जाए तो लगभग आप देख सकते हो कि ये जो रेंज है, ये रेंज है 379। तो 379 स्टॉक के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है, और लगातार ये आपका देखोगे तो 379 बहुत बार सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर भी एक बार, लगभग 373 से 379 के बीच में एक सपोर्ट का काम किया है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 379 का है, और देखा जाए तो लगभग अब मान के चलो कि जो इसका कहाँ से ये स्टॉक जो है रिवर्सल आया हुआ था, तो पहले ये स्टॉक का 403, तो 403 ये स्टॉक का देख सकते हो कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो पांच बार ये स्टॉक जो है 403 को आपका फेस किया है, और 403 के बाद से स्टॉक में गिरावट आया। तो अभी वही 400 रुपये का पहला टारगेट लेके चल सकते हो। तो 403 से गिरावट आ रहा है, तो 400 मतलब बैक आ रहा है, तो 400 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हो। बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 400 रुपये का टारगेट है। और साथ ही साथ स्टॉक में क्या है कि 400 रुपये का जहाँ टारगेट है, तो स्टॉक अगर 403 बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ 403 को ब्रेकआउट देता है, और 403 के ऊपर लगातार दो दिन, 403 के ऊपर अगर लगातार दो दिन ट्रेडिंग करता है, फिर जाके आपको 450 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो स्टॉक में अभी बाई कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 400, पहला टारगेट जो जुलाई लास्ट तक आ सकता है। और 403 का अगर ब्रेकआउट देता है तो 450 भी आ सकता है, क्योंकि स्टॉक में अभी शुगर इंडस्ट्री उतना खास, आपका पोनी शुगर में उतना ज़्यादा आपका दौरा नहीं है। जिस हिसाब से आपका उत्तम शुगर 70% तक का रिटर्न दे दिया है, तो उस हिसाब से आपका पोनी शुगर अभी तक दौरा नहीं है। तो पोनी शुगर में एक बाइंग प्रेशर आ सकता है, तो बाइंग का सलाह रहेगा 400 रुपये के लिए। और अगर 403 के ऊपर दो दिन भी क्लोज होता है, तो 450 का टारगेट पोनी शुगर में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आप ही का चैनल मनी मेकर 2307। थैंक्स फॉर वॉचिंग।